सत्ता में आने से पहले मनोहर सरकार ने जमीन घोटालों को लेकर जमकर हुड्डा सरकार को घेरा, खुद कुर्सी पर विराजने पर जांच और कार्रवाई का दावा किया, लेकिन गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स पर दोनों ही सरकारें इस कदर मेहरबान दिखाई दे रही हैं कि पहले हुड्डा सरकार ने जमीन को लीज पर देकर किराया तक नहीं वसूला और फिर मनोहर सरकार ने जांच की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई तक नहीं की। प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स की लीज को रद्द कर दिया है, जिस पर 150 करोड़ रुपए का किराया बकाया था, जिसे केओडी प्रबंधन ने चुकाया ही नहीं। इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की थी, जिनकी सिफारिश के बाद इसकी लीज को रद्द कर दिया गया। अब फिर से नीलामी के लिए केपीएमजी कंसल्टेंसी कंपनी को ही नियुक्त किया गया है। गुरुग्राम के आरटीआई कार्यकर्ता हरविंद्र ढींगड़ा ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लीज रद्द करने पर धन्यवाद दिया। हालांकि इस मामले में उन्होंने HSIIDC के प्रबंध निदेशक TS सत्यप्रकाश को इस पूरी प्रक्रिया के लिए नियुक्त करने पर सवाल भी खड़ा किया है। उनका कहना है कि TL सत्यप्रकाश पहले भी KOD की ग्रेट इंडिया नौटंकी कंपनी का पक्ष लेते रहे हैं। हुड्डा साहब ने टेलर मेड कंडीशन बना के ये किंगडम ऑफ ड्रीम जो अनुमोद शर्मा की है उसको ये लीज दी 15 साल के लिए 36 लाख रुपए महीना, और गजब की बात यह है कि उसमें एक साल पहला किराया नहीं था। इसमें 15 करोड़ की हुड्डा की मल्टीपर्पज हॉल पहले ही बना हुआ था, वो भी उनको दे दिया पैसा लगा के। उसके बाद ये साल डेढ़ साल इन्होंने किराया दिया, फिर कुछ किराया दिया कुछ नहीं दिया, इस तरह ये डोलमोल चलता रहा। हरविंदर ढींगरा का कहना है कि नीलामी की दोबारा होने वाली प्रक्रिया में ग्रेट इंडिया नौटंकी कंपनी को फिर से मौका देने का जो निर्देश हरियाणा सरकार ने दिया है वो सही नहीं है। उसे फिर से बकाया पैसा भरने के बाद केओडी को संचालित करने का मौका देना चौंकाने वाली बात है। 2015 से आज तक कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि 4 साल से तो 1 रुपया भी नहीं दिया गया और घंघोर धांधले बच गए। ऐसे में मनोहर सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों सरकार केओडी पर इतनी मेहरबान है, करोड़ों की देनदारी के बाद भी आखिर क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई। गुरुग्राम से विजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सपनों का महल कहे जाने वाला किंगडम ऑफ ड्रीम एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें, हुड्डा विभाग व एक्साइज विभाग का करीबन 60 करोड़ रुपए बकाया था, जिसके चलते खट्टर सरकार ने जांच के आदेश दिए, जिस जांच में पाया गया कांग्रेस सरकार में दी गई है जमीन अनियमितता के कारण दी गई थी। ऐसे में खट्टर सरकार क्या कार्रवाई करती है या नहीं, कैमरामैन मुकेश के साथ संजय।